हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बीएड एग्जाम डेट 2023 को लेकर के है। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले छात्र हैं और जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, जो कि है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो आज एक नोटिस है, उस नोटिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है और बहुत सारे छात्र दुविधा में भी हैं कि ये कौन कौन से छात्र इसमें फॉर्म भरेंगे और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से आएगा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं और बीएड कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर डेली कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के कुछ ना कुछ अपडेट आती है और इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक अपडेट आपको दी जाती है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिस है अवध यूनिवर्सिटी की, और ये जो नोटिस है ये है जो फॉर्म भरना है वो है बीएड और एमएड के प्रथम और द्वितीय में जिन छात्रों का बैक आ गया था, उन लोगों का जो है यहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो कुछ लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर रहे थे कि सर, जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है जिनका बैक नहीं आया है, उनका कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी लोगों को हम बता दें कि बहुत ही जल्द, यानी इसी मई के महीने में आप लोगों का भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भरा जाना शुरू हो जाएगा, और आप लोगों की एग्जाम डेट भी हो सकती है जल्द से जल्द घोषित कर दी जाए। तो अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सटीक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर बताया गया जो बैक वाले छात्र हैं उनका जो फॉर्म है वो 2 मई से लेकर के 10 मई तक जो है भरा जाएगा। तत्संबंधी संस्थान से अपेक्षा की जाती है कि पूरित परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय में दिनांक 12 मई 2023 तक जमा किए जाएंगे, तथा पूरित आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन 13 मई 2023 तक करते हुए उसके जो आवेदन पत्र की वेरीफाई सूची है वो 15 मई 2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि नाम एवं पिता के नाम तथा अर्हता में त्रुटि होने पर संबंधित छात्र और छात्राएं जो है यहाँ पर जिम्मेदार होंगी, तो इसलिए जो है संस्थाएं भी इसकी स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो इसलिए इसमें बहुत सी सही से चीज़ों को आपको देखना है। बाकी जो मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के लगभग अब एग्जाम फॉर्म, एग्जाम डेट, परीक्षाएं ये सब स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोगों को अगर सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग तुरंत के तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फिर।